देखिए, एक तरफ तो इसराइल गाजा में अस्पताल पर खौफनाक हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे खुद पर हमास और हिजबुल्ला के अटैक का भी डर सता रहा है। इसलिए अब बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पेशल फोर्स को इस महाजंग में उतार दिया है। कहा जाता है कि इसराइल की इस फोर्स के कमांडो ऐसी मौत देते हैं कि दुश्मन देख कर ही दम तोड़ देते हैं। हमास के खिलाफ इजरायल का सबसे भरोसेमंद हथियार मोसाद फेल हो चुका है। इजरायल की सबसे एलीट यूनिट शिन बेत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इजरायल की आर्मी अब तक हमास का पूरी तरह से सफाया कर पाने में नाकाम साबित हुई है। दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने इजरायल पर चढ़ाई करने का इरादा पक्का कर लिया है। ऐसे में नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, उसके फौरन बाद ही इसराइल के प्रधानमंत्री ने जंग का ऐलान कर दिया और कसम खाई कि वो अब हमास और उसके हमदर्दों का नामो निशा मिटाकर ही दम लेंगे। नेतन्याहू ने जब अपनी उस यूनिट को हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ उतारने का फैसला किया जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है, इसराइल ने युद्ध में अपनी यूनिट नंबर 504 को उतार दिया है। यूनिट नंबर 504 यानी वो कमांडो टीम जो एक हमले में 50 दुश्मनों को मारती है और फिर बाकी 500 दुश्मन हमला देखकर दम तोड़ देते हैं, यानी ये दुश्मनों को इतनी दर्दनाक मौत देती है कि 10 गुना दुश्मन देखकर मर जाते हैं। यूनिट नंबर 504 ने गाजा में मोर्चा संभाल लिया है। हाईटेक हथियारों से लैस 504 यूनिट के सैनिक चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही है, टैंक से अटैक कर रही है, बिल्डिंग से दुश्मनों पर गोलियां बरसा रही है, हर उस बिल्डिंग में जाकर हमास को ढूंढ ढूंढ कर उनका खात्मा कर रही है। हमास का छुपना मुश्किल सा हो गया है, हमास के सामने मौत है और यूनिट नंबर 504 इसकी पूरी गारंटी के साथ गाजा में उतरी है। डेढ़ महीने का युद्ध अब और भीषण हो गया है। दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है, युद्ध चल रहा है। इसराइल गाजा पर टैंक से हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसकी आर्मी गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, लेकिन नेतन्याहू की मोसाद और शिन बेत जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वो शुरुआत में ही जैसे हमास के सामने सरेंडर कर गए, अपने प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। इसराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में कई जगहों पर कब्जा तो किया लेकिन हमास के जवाबी अटैक को संभालना मुश्किल हो गया। हमास की तरफ से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है, हमास गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। यही वजह है कि गाजा में चल रहे युद्ध में इसराइल के 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। ये इसराइल के उन सैनिकों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं जिन्हें युद्ध के दौरान हमास के लड़ाकों ने मार दिया। इसमें 23 साल के सैनिक माज केरेट बत्तिया भी शामिल थे जिसे हमास के लड़ाकों ने मार दिया। माज केरेट गाजा में अपने साथी सैनिकों के साथ हमास के खिलाफ मोर्चे पर थे, तभी एक ऐसा हमला हुआ कि जान बचाकर भागने की नौबत आ गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वो जिस ऑपरेशन का हिस्सा थे उसमें इसराइल के एक लेफ्टिनेंट रैंक के अफसर की भी मौत हुई है। एक तरफ इस ऑपरेशन में इसराइल को सैनिकों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, दूसरी तरफ उसके हथियार भी हमास और हिजबुल्ला के निशाने पर हैं। युद्ध के दौरान हमास और हिजबुल्ला ने चुन चुन कर इसराइल के सबसे बेहतरीन टैंक मरकावा को फोड़ा।
इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा जब हिजबुल्ला और हमास ने इसराइल के टैंक पर अटैक किया। हिजबुल्ला ने एंटी टैंक मिसाइल से इसराइल के टैंक को निशाना बनाया था, तो हमास ने यासीन रॉकेट इसराइल के टैंक पर दागे। क्या ऐसे ही हमले अब यूनिट नंबर 504 को भी झेलने पड़ेंगे? में योम किप्पर युद्ध के बाद इसराइल को यह समझ में आ गया था कि उसकी डिफेंस फोर्स की इंटेलिजेंस मिस्र और सीरिया के हमलों का पता लगाने में नाकाम रही है। तब सरकार ने मोसाद और शिन बेत को मजबूत करना शुरू किया। इसका मकसद था कि कई एजेंसियां कई तरह की जानकारियां इकट्ठा करेंगी, अगर एक चूक भी जाती है तो दूसरी खतरे का पता लगा लेगी। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इसराइल पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद से ही लगातार मोसाद पर सवाल उठने लगे, उसको फेल करार दे दिया गया। एक समय मोसाद और शिन बेत लेबनान में सक्रिय थी, यूनिट 504 भी एक समय यही थी। बाद में मोसाद का फोकस ईरान और इंटरनेशनल आतंकियों पर हो गया, वहीं शिन बेत को गाजा से जुड़ी जिम्मेदारी मिली। यूनिट 504 ने गाजा के अपने जासूसों को शिन बेत के हवाले कर पूरा फोकस लेबनान पर लगा दिया और अब हमास और इसराइल के युद्ध 504 यूनिट की एंट्री हो चुकी है। लेकिन इसराइल की यूनिट नंबर 504 को सिर्फ गाजा में हमास के ही नहीं बल्कि लेबनान बॉर्डर की भी जिम्मेदारी मिली हुई है। इसराइल पर गाजा से तो टक्कर मिल ही रही है, लेबनान बॉर्डर भी उसके लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में इसराइल फंस गया है कि वो गाजा संभाले या लेबनान बॉर्डर पर फोकस करे। नेतन्याहू को इस वक्त सबसे बड़ा डर यह सता रहा है कि अगर मोसाद और शिन बेत की तरह यूनिट नंबर 504 को भी उस लेवल पर कामयाबी नहीं मिली तो क्या होगा, जिससे पूरे इसराइल को उम्मीद है। अगर यूनिट नंबर 504 पूरी तरह से फेल हो गए तो कौन बचाएगा, विकल्प क्या होगा? इसराइल को इस वक्त हमास और हिजबुल्ला ने पूरी तरह घेर लिया है और इसमें उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी और एलीट यूनिट फेल साबित हो रही है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। ये उत्तर इसराइल के लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहाँ हिजबुल्ला के लड़ाकों ने IDF के बेरानेट बेस पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया। इसराइल की आर्मी की तरफ से बताया गया कि लेबनान के बॉर्डर से एक के बाद एक हमले किए गए। हालांकि इसराइल के लिए इसमें राहत की बात यह रही कि उसके किसी भी सैनिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल को यह भी पता है कि हमास और हिजबुल्ला के पास जब तक हथियार रहेंगे तब तक उसकी जमीन पर हमले होते रहेंगे, लिहाजा इसराइल के निशाने पर हमास के हथियार गोदाम है। इस तस्वीर को IDF ने जारी किया है।